दोस्तों, यदि आपका प्रिंटर इस तरह से ऑन करने पर एक इधर शो कर रहा है, जो कि दो यहाँ पर आप लाइट देख सकते हैं, दोनों लाइट यहाँ पर जो पेपर की है और जो पेपर जाम की है, ये दोनों लाइटें ब्लिंक एक साथ में करती हैं। और यहाँ पर मैं आपको मॉडल भी दिखा दूँ, मॉडल हमारा है L3110 एप्सन का है, L3110 जो कि मॉडल है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, इसका सलूशन आपको, जो ये लाइटें आप देख रहे हैं, ये लाइटें जो दोनों जल रही हैं, एक ऊपर वाली जो है वो इंक की है और नीचे जो दूसरी लाइट है ये हमारी पेपर की प्रॉब्लम को बताती है। लेकिन यहाँ पर दोनों जब लाइटें एक साथ में जल रही हैं तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। यदि नीचे वाली लाइट सिर्फ जल रही होती तो ये हार्डवेयर की प्रॉब्लम होती। और मैं यहाँ पर आपको हार्डवेयर भी शो कर देता हूँ एक बार, आप यहाँ पर देखेंगे, लाइट ऑन करो लाइट, आप यहाँ पर देखेंगे कि जी हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इसमें लगभग सब कुछ इसकी एक बार से सर्विस की है, सब कुछ साफ़ किया है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कोई भी इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। जैसा पहले प्रिंटर हमारा चल रहा था बिल्कुल वैसा ही अब भी चल रहा है, बल्कि अब यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो रहा है, ना तो यहाँ पर स्कैनिंग हो रही है, ना तो फोटोकॉपी हो रही है, कुछ भी यहाँ पर किसी भी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। तो मैं इसका सलूशन आप लोगों को आज बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने बहुत से वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पर, और यकीन मानिए आप कि मैं वीडियोस देखते देखते थक गया, लेकिन उसके बाद भी मुझे कोई ऐसा सलूशन नहीं मिला जो कि हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा आपको इधर उधर भरमाने की कोशिश भी नहीं करूँगा, ना तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ये जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ ये हर एक प्रिंटर में वर्क करता है, लेकिन मैं यहाँ पर L3110 की बात कर रहा हूँ। और उम्मीद है कि ये EL सीरीज के जितने भी प्रिंटर हैं उन सभी में ये वर्क करेगा। जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, यहाँ पर मैं आपसे कोई भी रुपए नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि मैंने वीडियोज़ देखे हैं यूट्यूब पर। आप किसी का भी वीडियो देखिए तो उसमें आपसे एक ही बात कही जाएगी कि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, यदि ये वर्क ना करे तो आप हमें कॉल करिए। कॉल यदि आप करते हैं तो उनको कुल मिला के बात सब होती है पेमेंट की। तो जब आप किसी दूसरे को पेमेंट करने के बाद ही यदि आपको ये प्रिंटर अपना सही करवाना है तो आप डायरेक्टली सर्विस सेंटर जा करके भी सही करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको तरीका बताऊँगा, बिल्कुल यूनिक तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है। तो वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, यदि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं और इसी तरह की जानकारी और भी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, इसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप हमारे उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपके पास एक इस तरह से फोल्डर आ जाएगा। इस फोल्डर को जब आप ओपन करते हैं तो फोल्डर हमारा कुछ इस तरह से आएगा। इसमें आपको तीन फाइलें मिलेंगी, पहली फाइल जो है Y1 की ओनली $8.99, ये लगभग $9 की एक की यदि आप खरीदेंगे तो आपको $9 की एक की पड़ेगी। और सबसे नीचे जो तीसरा है ये हमारा सेटअप है, तो मैं यहाँ पहला आपको शो कर देता हूँ कि यदि आप इसमें इनकी की खरीदना चाहते हैं, आपने इससे पहले बहुत से वीडियोज़ देखे होंगे उनमें आपको की रजिस्टर जो होते हैं रजिस्टर की वहाँ पर आपको परचेस करने के लिए बताया गया होगा, तो उनको यदि आप खरीदते हैं तो यहाँ पर ₹9 का आपको चार्ज देना पड़ेगा, सॉरी $9 का आपको चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ पर मैं जो तरीका बता रहा हूँ आपको कोई चार्ज नहीं देना है, आपको सिंपली आना है बाय कर रीसेट। इसके बारे में यदि आपने सुना है पहले अच्छी बात है, नहीं सुना है मैं आपको बता देता हूँ। बाय कर रीसेट जो है ये प्रिंटर के जो उसमें जो कैचे इकट्ठा हो जाते हैं, कहिए कि जो पुराना डाटा जो इकट्ठा हो जाता है वो सब रीसेट कर देता है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट और नेक्स्ट, यहाँ पर हम क्रिएट ए डेस्कटॉप शॉर्टकट और उसके बाद में नेक्स्ट इंस्टॉल, ये हमारी फाइल यहाँ पर एक्सट्रैक्टिंग होगी जो भी है, और उसके बाद में हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा और इसको हमें फिनिश पे क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा, जो कि मैं यहाँ आपको स्क्रीन पर शो कर देता हूँ। ये हमारा एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, आप देखें तो ये हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना है कि इस एप्लीकेशन को आपको डबल क्लिक करने के बाद इसे ओपन कर लेना है। जब आप इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर लिख करके आ रहा है कनेक्ट द प्रिंटर टू सी अवेलेबल फंक्शंस। तो हमारा प्रिंटर इस समय ऑफ है, मैं प्रिंटर को ऑन कर देता हूँ। जैसे कि मैंने अपने प्रिंटर को यहाँ पर ऑन कर दिया है, ऑन करने के बाद आप देखें तो यहाँ पर हमें अलाउ पे क्लिक कर देना है, क्योंकि ये एंटीवायरस जो है, वैसे तो आपको एंटीवायरस मैं कहूँगा कि हो सके तो आप इसको कुछ देर के लिए पॉज कर दीजिए, लेकिन नहीं भी करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसको अलाउ कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा पेज प्रोसेस होता रहेगा और इसके बाद में आप वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करिएगा, टाइम चाहे जितना लगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है आपने इससे पहले बहुत से वीडियो देखे हैं और मैंने भी बहुत से वीडियो देखे, और इस एक छोटी सी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने आप अंदाज़ा
आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने 3 दिन लगाए हैं एक छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और ये तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तरीका मुझे सबसे यूनिक लगा है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और बिल्कुल फ्री भी है। यहाँ पर आपको अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है, जो कि मेरा सेलेक्ट एप्सन L3110। ओके, यदि आपका प्रिंटर नहीं आता है तो दूसरे नंबर पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। और यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं कि आप इसमें करना क्या चाहते हैं। आई वांट टू रीसेट वेस्ट काउंटर्स, दूसरा ऑप्शन है आई वांट टू रीसेट इंक लेवल्स, और तीसरा है आई वांट टू डाउनग्रेड प्रिंटर फर्मवेयर, और चौथा है आई एम नॉट श्योर हेल्प मी डिसाइड। यदि आपको ये तीनों जो ऊपर के ऑप्शंस हैं आप क्लियर हैं, कन्फर्म है आपको कि आपके प्रिंटर में क्या प्रॉब्लम है, तो इन तीनों में से जो भी प्रॉब्लम है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज यदि आपको लगता है कि मुझे खुद नहीं पता है कि हमारे में क्या प्रॉब्लम है, तो आप नंबर 4 को सेलेक्ट कर लीजिए, आई एम नॉट आई वांट टू रीसेट बेस्ट काउंटर्स। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम जो पहला जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ज़्यादातर प्रिंटर में यही प्रॉब्लम होती है, आई वांट टू रीसेट बेस्ट काउंटर्स, तो इसी पर आपको क्लिक कर लीजिएगा, आई वांट टू रीसेट काउंटर्स बिफोर हैंड। ओके, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से लिख करके आएगा, इंटर की हेयर वैलिड की मस्ट कंटेन 15 और 16 कैरेक्टर्स। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको एक की इंटर करनी है। अब आपको एक की परचेस करनी पड़ती है, और उसका चार्ज मैंने आपको पहले ही बताया था कि $9 है, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको की बता रहा हूँ वो बिल्कुल फ्री है। फ्री का मतलब है आपको ट्रायल वर्जन मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन के थ्रू आप एक बार अपने प्रिंटर को बिल्कुल फ्री आप कास्ट रिसेट कर सकते हैं। यदि आपको दोबारा कभी रिसेट करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप इनके की को परचेस कर लीजिएगा, वो आपकी आगे की इच्छा है। मैं फिलहाल अभी करंट का आपका जो प्रॉब्लम है इसको सलूशन बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको जो की डालनी है वो डालनी है ट्रायल। अब इस की का मैं पहले से यूज कर चुका हूं, तो हमारे पास कुछ थोड़ा इरर होगा, और इस इरर को आप पढ़िएगा अच्छी तरह से, जिससे आप कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ ये की मैंने पहले यूज की है। ट्रायल पे ट्रायल, यहाँ पर स्पेलिंग भी आप देख लीजिएगा, TRIAL, ये स्पेलिंग आप लिखेंगे, और उसके बाद में आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, योर प्रिंटर डज नॉट हैव बेस्ट ओवरफ्लो इरर, येट प्लीज़ चेक प्रिंटर स्टेटस फॉर मोर डिटेल। अब देखिए यहाँ पर हमारे प्रिंटर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यदि होती तो ये वेस्टेज ओवरफ्लो हमारा जो इरर शो कराता सर्विस रिक्वायर्ड का, उसको ये यहाँ पर सॉल्व कर दिया। तो मैं अपना चेक करता हूँ कि हमारे प्रिंटर में दिक्कत क्या है। इसके लिए हम आएंगे डिवाइस एंड प्रिंटर्स में, आपको पहले चेक भी कर लेना है। आपको भी ये मैं शुरुआत में आपको बताना भूल गया था। अब उसके बाद में आपको अपना प्रिंटर जो है इस पर राइट क्लिक करने के बाद प्रिंटर प्रीफ्रेंसेस में आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको आना है मेंटेनेंस में। ओके, मेंटेनेंस में जब आप आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे लिखा है सन स्टेटस मॉनिटर 3, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ ऊपर जो लिखा हुआ है सर्चिंग, यहाँ पर यदि लिख करके आ रहा है सर्विस रिक्वायर्ड, तो जो तरीका मैंने बताया है ये आपका 101% वर्क करेगा और अच्छी तरह से वर्क करेगा। आपका वेस्टेज जो इतना भी इरर है वो तुरंत ही सॉल्व करेगा। और ये मैं एक बार नहीं, आपको 1000 बार बोल रहा हूँ कि ये जो तरीका मैं दे रहा हूँ यूनिक है, फ्री है और सबसे सटीक है। क्योंकि और मुझे मेरे पास आपको कॉल करने कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अदरवाइज मैं आपकी इससे रिलेटेड कोई भी सहायता नहीं कर सकता हूँ, ना तो मेरे पास कोई की है जो फ्री में आपको दे सकूँ, कुछ भी नहीं है। यदि आप दूसरी जगह से कहीं से लेना चाहते हैं तो वहाँ से आप बेशक ले सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो स्टेटस जो मैंने आपको बताया है, ये तरीका जो मैंने आपको बताया है बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। इसके थ्रू यदि आपका प्रिंटर रिसेट हो जाता है बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि 101% आपका वेस्टेज काउंटर जितना भी है आपका रिसेट हो जाएगा, ज़रूर हो जाएगा। यदि हो जाए आपका प्रिंटर वर्क करने लगे तो आप अच्छा से कमेंट करिएगा, और साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि जानकारी वो भी इस जानकारी को देख सके, समझ सकें। आज नहीं तो कल उनको भी जरूरत पड़ेगी यदि वो एप्सन L3110 सीरीज का प्रिंटर यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर जो आप लोगों को जानकारी देने जा रहा था, जानकारी पूरी हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक बार इस ट्रिक का ट्रायल करें, देखें, चेक करें, यदि ये ट्रिक वर्क करे दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटे के आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।